कृषि वैज्ञानिकों ने फूल गोभी की कुछ ऐसी उन्नत किस्मों को विकसित किया है जिनकी खेती किसान भाई जून जुलाई के महीने में भी कर सकते हैं। इस समय फूल गोभी बाजार में नहीं होती, इस वजह से उनके पास अधिक कमाई करने का मौका रहता है। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं कृषि जागरण। फूल गोभी एक महत्वपूर्ण फसल है। देश में सब्जियों के रूप में इसका व्यापक तौर पर इस्तेमाल होता है। आमतौर पर फूल गोभी की सब्जी हमें ज्यादातर ठंड के मौसम में मिलती है, लेकिन अब इसकी कई उन्नत किस्में आ गई हैं, जिनकी खेती किसान भाई दूसरे सीजन में भी करते हैं। ठंड के मौसम में जब शुरुआती दौर में फूल गोभी की सब्जी आती है तो इसकी कीमत सामान्य तौर से ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे आवक बढ़ती है वैसे ही दाम कम हो जाते हैं। ऐसे में किसानों को बस कुछ दिन तक ही लाभ मिल पाता है। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर श्रवण सिंह बताते हैं कि पूसा मेघना, पूसा अश्विनी, पूसा कार्तिक और पूसा कार्तिक संकर, इन किस्मों की बुवाई जून जुलाई के महीने में की जाती है। ये सितंबर अक्टूबर तक तैयार हो जाती है। इन किस्मों को अगेती फूल गोभी कहा जाता है। इसकी खेती के लिए किसान भाइयों को इस बात ध्यान रखना चाहिए कि खेत में जल भराव वाला नहीं हो। कीड़े और दीमक की समस्या वाले खेत में भी अगेती फूल गोभी की बुवाई नहीं करनी चाहिए। जिस खेत में फूल गोभी की फसल लगा रहे हैं उसे उपचारित करना जरूरी होता है। अगेती फूल गोभी की पौधे 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती हैं। इसका देखभाल करते रहे और समय पर निराई जरूर करें। अगर कीट या रोग लगता है तो दवा का छिड़काव करें। अगेती फूल गोभी किसानों की आय बढ़ाने में मददगार है। ऐसे में सलाह दी जाती है कि किसान भाई इसकी खेती पूरी तैयारी से करें और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल करें। आज के लिए बस इतना ही। आगे की अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।